तो वेलकम टू माय चैनल। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने साइन कर लिया है और चार प्लेयर को, दो ओवरसीज प्लेयर और दो डोमेस्टिक प्लेयर। तो देखते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की स्क्वाड में कौन कौन नया खिलाड़ी शामिल हो चुका है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने साइन कर चुका है एक ऑस्ट्रेलियन डिफेंडर को, जिसका नाम है डायलन फॉक्स। वो डिफेंडर की भूमिका में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में शामिल हो चुका है 2020-21 सीजन के लिए। दोस्तों, लास्ट ईयर डायलन फॉक्स ने सेंट्रल कोस्ट मरीनर एफसी के अंडर खेला था और वहाँ पर परफॉर्मेंस देखकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने उसको इस बार 2020-21 सीजन खेलने के लिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में शामिल कर लिया है। दोस्तों, डायलन फॉक्स एक डिफेंडर होते हुए भी उन्होंने आगे जाकर गोल करने का क्षमता रखते हैं, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ी एक साइन हुआ है डायलन फॉक्स के रूप में। नेक्स्ट प्लेयर है वीपी सुहेल। वीपी सुहेल एक इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर है जो स्ट्राइकर की भूमिका में खेलते हैं, जो लास्ट ईयर मोहन बगान एफसी के लिए खेला था और इस बार वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की स्क्वाड में शामिल हो चुका है और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में वो स्ट्राइकर की भूमिका में खेलेंगे। वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत जबरदस्त साइन हुआ है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए इस बार। वीपी सुहेल ने लास्ट ईयर आई लीग में बहुत सारा गोल कर चुका है मोहन बगान के लिए, तो इस बार वो परफॉर्मेंस देखकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने उसको अपनी टीम में शामिल कर लिया है। नेक्स्ट प्लेयर है दोस्तों निम दोर्जे तमांग। निम दोर्जे तमांग एक इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर है जो सेंटर बैक भूमिका में खेलते हैं। वो एफसी पुणे सिटी के लिए, जमशेदपुर एफसी के लिए और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए भी खेल चुका है और वो लास्ट ईयर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की स्क्वाड में शामिल हुआ था और इस बार भी वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए ही खेलेंगे सेंटर बैक भूमिका में। दोर्जे तमांग एक बहुत अच्छा उभरते हुआ एक यंग टैलेंट है, तो आशा करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए निम दोर्जे तमांग इस बार जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो यही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से आए हुए लेटेस्ट अपडेट। अगर कोई अपडेट, न्यू अपडेट और आया तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी के लिए बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।